मुकद्दस मसीह के लिए 18 बाप उसकी 11 आयत से लेकर 14 आयत तक। हमारी भी आज की तिलावत मुकद्दस मसीह के अंजील और उसका 18 बाप उसकी 11 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ूंगी। खुदावंत के पाकलाम में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नचार देने आया है। तुम क्या समझते हो कि अगर किसी आदमी की 100 भेड़े हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा है कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं इस भेड़ की ज्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। खुदा के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की हास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने एक ऐसा जानवर जो भोला भाला जानवर है, जो वफादार जानवर है, और ऐसा जानवर जो हलाल जानवर है उसकी मिसाल दी है। ये जानवर का जो नाम है सब दाए बुलंदवा से कौन सा नाम दिया गया है? आवाज का मिलाकर थोड़ा समझिए, क्या क्या नाम है, क्या नाम है? हालेलुया। तो मेरे सिद्धो यहां पर तो आए मेरे पीछे पड़ेगी आप, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। हालेलुया हालेलुया। तो आज ये पैगाम हम सब के लिए है, हम सब पटके हुए हैं। आज यीशु हमें तलाश करने के लिए आया है। आप उसकी भेड़ थक जाए मेरे सीधो, एक मेरी बात याद रखना, अगर हम आज भी उसे ना ढूंढते, यीशु मसीह ने ऐलान कर दिया है मैं खोए हुए को ढूंढने और निचार देने आया हूं। जिसके पास कलाम पहुंच गया ना, मेरी बात याद रखना, जिसके पास खुदा का कलाम पहुंच गया, अगर वो भेड़ नहीं पड़ी ना अभी तक, मेरी बात याद रखना, वो अपना वक्त और अपनी बरकत जाया कर रही है। हालेलुया। यानी कि जिन लोगों के पास खुदा की आवाज पहुंच चुकी है, अगर वो अभी तक भेड़ नहीं पड़े तो वो अपना जिंदगी का वक्त और बरकत को जाया कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने पाक कलाम के वसीला से हमसे बात की है, लेकिन आज हम उसकी भेड़ बन जाए। जो चरवाहा होता है, मेरी बात याद रखना, जो चरवाहा है उसे किसी चीज का डर या खौफ नहीं है, लेकिन भेड़ों को डर और खौफ है। भेड़ हलाक हो सकती है किसी तरीके से, भेड़ को एक चरवाहा लाजमी चाहिए। हम बगैर चरवाहे के कभी भी हम जिंदगी में खुशियां नहीं देख सकते। बहुत से लोग इस बात को समझते हैं कि हमें चरवाहे की कोई जरूरत नहीं, हम खुद दुआ करते हैं, हम खुद कलाम पढ़ लेते हैं, हम खुद रोजे रखते हैं। लेकिन मेरे दिलो याद रखना, ये एक बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह
मेरे पेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, लेकिन अगर हम उसकी भेड़ है लेकिन किसी खादम के साथ किसी चरवाहे के साथ हमारा तल्लक नहीं और हमारी जिंदगी में ऐसा चरवाहा होना चाहिए जो पेड़ों की फिक्र करता हो, जो पेड़ों को वक्त पर चारा देता हो, जो रात के पैरों में उठकर पेड़ों के लिए निगरानी करता हो, क्या पेड़ बीमार हो जाए उनकी खबर लेता हो। और मेरी बात याद रखना, वही चरवाहा सबसे फकीर पाता है जो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। तो अगर भेड़े अपने चरवाहे की आवाज सुनेगी, उसके पीछे पीछे चलेगी, तो यकीन जाने वो वफादार भेड़े साबित होगी जो अपने चरवाहे के साथ वफादार रहेगी। और आगे लिखा है, तुम क्या समझते हो अगर किसी आदमी की 100 भेड़े हो उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो नड़ने को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो तो उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उन नड़ने की निस्बत जो भटकी नहीं इस भेड़ की ज्यादा खुशी करेगा। हालेलुया। मेरे दोस्तों, आज हम भटके हुए हैं, हमें चरवाहा ढूंढ रहा है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में कोई काम होता है, खुदावन कोई मौजदा करता है, या हाथ में खुदावन की आवाज आती है, या हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उसे कबूल करते हैं, तो यकीन जाने उसकी भेड़ बन जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, लेकिन वो एक बात को समझ नहीं सकते, यानी कि वो समझते कि सिर्फ अपने शिफा पाली है, खुदावन ने काम कर दिया, इतना ही काफी है। मेरे दिनों शिफा पाना काफी नहीं है। आप अपने चरवाहे के साथ तल्लक छोड़कर रखे, चरवाहे से मिले रहे, जो भेड़ों का चरवाहा है अगर आप उसके साथ मिले रहेंगे तो चरवाहा क्या करेगा, आपकी एक कुर्बानी देगा। चरवाहा सुबह दोपहर शाम आपको अच्छा चारा देगा, आपको पानी देगा, लेकिन अगर आप चरवाहे से दूर चले जाएंगे तो फिर मेरी बात याद रखना, कोई ना कोई भेड़िया आपका इंतजार कर रहा है। जैसे हम अपने रेवड़ से दूर चले जाए, भेड़े जंगल में चली जाएगी, वहां भेड़िया होगा, कोई शेर होगा, कोई रीछ होगा, और उस भेड़ को क्या करेगा, फाड़ खाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम भेड़िए के शिकार ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम दुश्मन हम पर हमला करे, तो मेरे दोस्तों आपको एक काम करना होगा। वो ये काम है कि आपको हर संडे खुदावंद की इबादत के लिए अपने चरवाहे को मिलना होगा। हालेलुया। क्या करना होगा? अपने चरवाहे को मिलना होगा। लेकिन जब आप हर संडे अपने चरवाहे को मिलेंगे तो आपके नाम चरवाहे के दिल में लिखे जाएंगे, और जब चरवाहा दुआ करेगा तो वो कहेगा, ऐ खुदावंद, ये भेड़े संडे को चर जाई थी, मैंने इन्हें तेरा चारा दिया है, अब तू इनकी हिफाजत करना। जब ये घर में हो, कोई बदरू, कोई जादू पूना, कोई तमीज धागे का असर इन भेड़ों पर ना हो। जब वो चरवाहा रात को उठेगा, रात को कोई जादूगर आपके ऊपर कोई तस्वीर छोड़ रहा होगा, कोई तमीज का असर रात को पढ़ाई के लिए आप पर आता होगा, लेकिन चरवाहा जब रात को छाक रहा होगा, कोई भेड़िया कोई ऐसी बदरू कोई रात को जो जादूगर है वो आपका पेट है, उधर जादूगर है उधर भेड़िया है, इधर चरवाहा छाक रहा है, लेकिन जब रात के पैर उठकर चरवाहा आपने दुआ करेगा तो आपका घराना महफूज रहेगा। हालेलुया।
हालेलुया। तो अगर आपके पीछे चरवाहे की दुआ नहीं, अगर आपका चरवाहा आपके लिए बोझ नहीं रखता, वो रोजा नहीं रखता, वो अपनी पेट की फिक्र नहीं करता, तो पेट कभी भी तंदुरुस्त से नहीं हो सकती। मेरे दिल में बहुत से चरवाहे हैं जो सिर्फ पेड़ों का दूध पीते हैं और ऊन उतारते हैं और उनका गोश्त खाते हैं, लेकिन उन्हें भेड़ों की फिक्र नहीं होती। तो अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों की फिक्र करे, उनके लिए दुआ करे, उनको वक्त पर चारा दे, उनके साथ रफाकत रखे और उनके लिए दिल दर्द रखकर दुआ करने वाला हो। ऐसा चरवाहा जो रोकर आपकी दुआ करता हो, ऐसा चरवाहा जब आपको काटा चुके तो चरवाहे को दर्द हो कि मेरी भेड़ को एक तकलीफ है, मैंने उसके लिए दुआ करनी है। ऐ खुदाओं, ये तेरी भेड़ है, उसकी हिफाजत कर। जब कोई भी मसला हो तो चरवाहा क्या करे, आपके लिए दुआ करे। आज ऐसे चरवाहे के पीछे आपको चलना होगा जो आपके लिए बरकत का सबब हो, जिसके वसीला से खुदा काम करता हो और आपकी जिंदगी में बहुत साल जारी हो रहे, आपकी प्यास बुझ जाए, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ है, जब आप चरवाहे के पास आते हैं वो तकलीफ चली जाए। हालेलुया। ऐसा चरवाहा ढूंढे